वेल माइडेड स्टूडेंट्स द कोर्स इज लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड द टॉपिक इज मैरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ कोडिफिकेशन अर्लियर जो सेशन्स हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोड क्या है कोडिफिकेशन क्या है अब यहाँ इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं मैरिट्स ऑफ कोडिफिकेशन के कोडिफिकेशन के जरिए से क्या एडवांटेजेस हासिल होते हैं पहला जो एडवांटेज है जो मेरिट है वो माय डियर स्टूडेंट्स कोडिफिकेशन का ये है कि सर्टेनिटी का एलिमेंट लॉज में इससे डेवलप होता है अब देखने की बात यह है कि जो सर्टेनिटी है इसका मायनिंग क्या है इसके मायनिंग है डेफिनेटनेस ये एक स्टेट ऑफ बीइंग डेफिनेट है और इसमें एक बात डेवलप होती है कि कोई चकूक को शुभहात की गुंजाइश लॉज के मुतलक नहीं रहती और इसका जो एंटोनीम है या ऑपोजिट है उसे अनसर्टेनिटी कहा जाता है तो माय डियर स्टूडेंट्स कोडिफिकेशन का पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि कोडिफिकेशन मेक्स द लॉज डेफिनेट एंड क्लियर दूसरा इसका जो बेनिफिट है एडवांटेज है मेरिट है वो ये है कि ईवल्स ऑफ जज मेड लॉज जो हैं वो मौजूद नहीं रहते तो सीधी सी बात है कोडिफिकेशन एड्स इन अवॉइडिंग ईवल्स ऑफ जज मेड लॉज लॉर्ड मैकॉयले सेज

बार से मुतलक है द लीगल प्रोफेशन कर्स का मतलब है इरिटेशन या न्यूसेंस स्कैंडल का मतलब है इनडिग्निटी गॉसिप तो माय डियर स्टूडेंट्स जो जज मेड लॉज हैं उनके ईवल से जो कोडिफिकेशन है वो निजात दिलवाती है नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है कोडिफिकेशन का वो है प्रीजर्वेशन ऑफ कस्टम्स ये कस्टम्स क्या होते हैं इनको भी डिटेल में हम देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स तो कहा जाता है कि थ्रू कोडिफिकेशन जो सोसाइटीज होती हैं वो अपने जो वैलिड कस्टम्स होते हैं उनको प्रिजर्व करती है नाउ आप समझिए कि कस्टम क्या होता है ये बड़ा जरूरी है आपके लिए जाना तो कस्टम की डेफिनेशन जो है वो हम ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी से देखते हैं यहां लिखा ये है कि अ प्रैक्टिस दैट बाई इट्स कॉमन अडोप्शन यानी एक प्रैक्टिस है और हर शख्स उसको करता है कंट्री में एंड लॉन्ग अनवेयरिंग हैबिट और उसको फॉलो करने की जो हैबिट है वो चेंज कभी भी नहीं हुई और उस कस्टम को ऑब्जर्व किया गया हैज़ कम टू हैव द फोर्स ऑफ लॉ तो ये इसका मतलब ये हुआ कॉमन अडोप्शन और लॉन्ग अनवेयरिंग हैबट जो है उसको फॉलो करने की वो उस कस्टम्स को लॉ का दर्जा दे देती है नाउ माय डियर स्टूडेंट्स कस्टम क्या बना कस्टम एक प्रैक्टिस हुई दैट बाय इट्स जनरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सटेंडेड रेगुलर हैबिट हैज कम टू हैव द फोर्स ऑफ लॉ ये आपको बात समझ आ गई नाउ कस्टम्स की डेफिनेशन जो है जॉन सामंड ने भी दी है वो भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कोई डेफिनेशन फाइनल डेफिनेशन नहीं होती के वो अनल डेफिनेशन में फॉल करे तो सामंट कहता है कस्टम इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स विच हैव कमेंडेड टू दैट नेशनल कॉन्डिशंस एज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड पब्लिक यूटिलिटी माई डियर स्टूडेंट्स सामंड ये कहता है कि ये ऐसे असूल हैं जो कि सोसाइटी का कॉन्शंस का हिस्सा बन गए हैं वट इज कॉन्शंस ये सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है और सोसाइटी की जो कलेक्टिव सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है अगर उसमें कोई असूल डेवलप हो गया है एज अ कस्टम तो उसकी जो फोर्स है वो लॉ के बराबर है नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस डिस ऑफ कोडिफिकेशन तो पहला जो डिसएडवांटेज है माय डियर स्टूडेंट्स वो है रिजिडिटी देखें कोडिफिकेशन मेक्स लीगल सिस्टम रिजिड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये इसका एक बड़ा ग्लेयरिंग डिसएडवांटेज है जो रिजिडिटी है इट मेक्स द ग्रोथ ऑफ लॉ डिफिकल्ट माय डियर स्टूडेंट्स वेरी राइट कार्ल डोजो एक फिलोसोफर है वो ये कहता है द इन इन दैट शेल्टर्स द ट्रेवलर मस्ट बी रेडी फॉर टमोरो इट मस्ट है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ माई डियर स्टूडेंट्स वट अ ब्यूटिफुल थिंग माई डियर स्टूडेंट्स के कॉर्डोजो कहता है कि ग्रोथ का एलिमेंट आप जहन में रखें अगर आप ग्रोथ के एलिमेंट को जहन में नहीं रखेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे तो कोडिफिकेशन जो है ये ग्रोथ के एलिमेंट को जरा सुस्त करती है जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कोडिफिकेशन का वो ये है कि कोडिफिकेशन रेजिमेंट्स ह्यूमन लाइफ विदाउट एनी मार्जिन मार्जिन नहीं देती कोडिफिकेशन फिर असूल है तो असूल है उसमें गुंजाइश नहीं होती तो कोडिफिकेशन स्ट्रिक्टली रेगुलेट ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स माय डियर स्टूडेंट्स कोडिफिकेशन अप्लाइज अपॉन एवरी वन विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट द सेंटीमेंट्स एस्पिरेशंस एंड ट्रेडिशंस ऑफ पीपल माइ डियर स्टूडेंट तो नेक्स्ट जो डिस है वो कोडिफिकेशन फ्लॉज में है फ्लॉज का लक्ष्य लिखा है तो लॉज एग्जिस्ट विद फ्लॉज एंड अ लीगल एक्सपर्ट एग्जॉस्ट दीज फ्लॉज फॉर द इक्विटल ऑफ ट्रू क्रिमिनल होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच इंडी